हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम डिप्लोमा का एग्जाम स्कीम एंड सब्जेक्ट जानेंगे, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस जानेंगे, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना हुआ है चैनल, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा अवेलेबल वहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे हम दे दूंगा लिंक, वहाँ टेलीग्राम चैनल का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए जानते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। आपके 5 सब्जेक्ट होंगे थ्योरी, 100 मार्क्स के होंगे, 80 आपका एक्सटर्नल और 20 आपका इंटरनल होगा। एक्सटर्नल में आपको 26 मार्क्स लाने होंगे और पासिंग मार्क्स दोनों मिला के इंटरनल और एक्सटर्नल आपको 40 मार्क्स लाना होगा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थ्योरी होगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ये भी थ्योरी है, हाइड्रोलिक्स थ्योरी होंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग थ्योरी पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपके होंगे सेशनल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लैब, इसमें आप में 50 मार्क्स के होंगे, 30 आपका एक्सटर्नल, 20 आपका इंटरनल, दोनों मिला के आपको 25 लाने होंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब होगा प्रैक्टिकल, ये 100 मार्क्स के होंगे, 80 आपका एक्सटर्नल होगा और आपका 20 इंटरनल होगा, दोनों मिला के आपको 40 मार्क्स लाने होंगे पासिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोलिक लैब्स आते हैं, प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स के होंगे हाइड्रोलिक्स लैब्स का, 50 मार्क्स के होंगे एक्सटर्नल फुल मार्क्स और आपको एक्सटर्नल 40 मार्क्स होंगे, 10 आपका इंटरनल होगा, 20 दोनों मिला के लाने होंगे पासिंग मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन लैब प्रैक्टिकल आपका होगा 50 मार्क्स का, 40 होगा एक्सटर्नल, 10 होगा आपका इंटरनल, 20 मार्क्स दोनों मिला के लाने होंगे पास होने के लिए। प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2 आपके सेशनल होंगे 50 मार्क्स के, 30 आपके एक्सटर्नल होंगे, 20 आपका इंटरनल होगा, दोनों मिला के आपको 25 लाने होंगे, ठीक है। तो आप चलिए सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि और उसके बाद सिलेबस जानते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन जानना है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, फिर साइट इन्वेस्टिगेशन, साइट ले आउट एंड कंट्रोल, फाउंडेशन, फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, फिर आता है स्टोन मेसोनरी, फिर पार्टीशन वॉल्स, मोर्टार, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग एंड अंडरपिनिंग, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लो एंड हाई राइज बिल्डिंग्स, डोर एंड विंडोज, डैम प्रूफिंग, फ्लोर्स, रूफ्स, स्टेयर्स, सरफेस फिनिशेज, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये सब पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लैब में आपको देखिए ये आपको एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, आप एक बुक ले सकते हो या आपकी जो प्रोफेसर जो रिफ़र कर दे वो बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसमें आपको ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स के बारे में जानना है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जानना है, बियरिंग कैपेसिटी एंड अर्थ प्रेशर जानना है, फाउंडेशन कंपैक्शन कंसोलिडेशन एंड स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब में ये सब आपके एक्सपेरिमेंट जो दिख रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंट आपको करवाया जाएगा। फिर हाइड्रोलिक्स में आपको हाइड्रोस्टेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, फ्लूड मशीन्स, ये सब पढ़ना होगा। फिर हाइड्रोलिक्स लैब में आपको ये सब एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। रेफरेंस बुक आपका ये इसका RK बंसल, ठीक है, बुक है, अच्छा बुक है, आप वो बुक ले सकते हो, ठीक है। आगे आप फिर आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन टू इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल स्टेट एंड प्रिंसिपल प्लेन्स, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स, फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, फिर एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस एंड फिक्स्ड बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ए रेफरेंस बुक आपका RK बंसल भी होंगे, ठीक है, या BC पुनमिया बेस्ट बुक है, BC पुनमिया का बुक आप ले सकते हो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। उसके बाद आपके बेस्ट जो टीचर बता दे वो भी बुक आप ले सकते हो। फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, रोड जियोमेट्रीज, रोड पेवमेंट्स, हिल रोड्स, रोड मेंटेनेंस, ट्रैफिक स्टडीज, रेलवे इंजीनियरिंग, अलाइनमेंट एंड गॉज, परमानेंट वेज, रेलवे ट्रैक जियोमेट्रीज, ब्रिज इंजीनियरिंग, फिर ट्यूनल इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ने हैं। रेफरेंस बुक आपको देखिए यहाँ पे दिया हुए ये ले सकते हो या आपके जो प्रोफेसर बता दिए वो भी आप ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब में आपको ये सब करवाए जाएंगे जो दिख रहे हैं आप अपने, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस टू में आपको कि जैसे जॉब लेना होता बहुत कोई का तो उसमें आपको GD ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवाया जाता है। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा उसको आप प्रिपेयर करके PPT फॉर्म में पेपर प्रेजेंटेशन के मोड में बना के फिर आपको जहाँ पे आपका वाइवा होगा उसका वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना होगा। आप इंडस्ट्रियल विजिट किए हैं तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट होगा तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपका या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप
नंबर लेके मैसेज कर सकती हो व्हाट्सएप में मैसेज, मैं आपको जवाब का रिप्लाई दूंगा। या ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना है वहाँ पे उपलब्ध है। थैंक यू।